घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने पकड़ के, मेरे बाबर का घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने। आप पाकिस्तान का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं पाकिस्तानी हूं। लेकिन क्या ट्रॉफी लेकर आएंगे जब तुम लोगों ने भाई सेमीफाइनल तक पहुंचने की तुम लोगों की करतूत नहीं है? क्या कर क्या रहे हो? जिस दिन इंडिया से ये लोग हारे थे उस दिन कसम से इतनी शर्मिंदगी हुई थी ना, इतनी शर्मिंदगी। और चेन्नई में इस विकेट पे पाकिस्तान के इस तरह हार जाना आगे सेमीफाइनल के लिए बहुत मुश्किल होगा। और बहसियत नेशन हम बहुत मायूस हैं। एक साउथ अफ्रीका के साथ है, दूसरा इंग्लैंड के साथ है, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ है। अगर ये अफगानिस्तान से आज मैच हार रहे हैं, इनसे नहीं जीत सकते, तो बाकी टीमें तो फिर जारी सी बात है, वो तो इनको वैसे ही बाहर कर देंगे। पहली बार अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दे दी है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन बेगैरतों के लिए, इन जलीलों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तुम्हारे पास भाई इसको बचाई बॉलर रहे कर्जे से, अब वो डिलीवर इंडिया में बोला था क्या हारिस रऊफ का, मैंने कहा था जनाजा निकल जाएगा इंडिया में। एक दूसरे की मालिक इंजमाम उलट, ये मैं कह सकता हूँ कि वो पैसों के लिए तो क्या अपनी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा किसके? और बात सुने आपके कप्तान की, ओ भाई 5 ओवर रहते हैं एक हसन का, 2-2 ओवर रहते हैं हारिस रऊफ और शाहीन के आगे, तूने अपने अब्बा जान उसामा मीर को किस लिए लाया? वर्ल्ड कप जल्दी आओ इंडिया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंडिया, हमारे बाबर आजम कैप्टन है, क्या उनका मुकाबला हम इंडिया के रोहित शर्मा कैप्टन से कर सकते हैं? पूरी दुनिया से कर ले, वो बड़ा कामयाब तरीन इंसान है। तू भी नहीं है, वो बोलते रहिए आप बाबर कोहली। वो अगर होता उसने इतनी इनिंग खेली होती, वो इतना सेटिंग में आया होता, तो वो आज अफगानिस्तान के खींचड़ा उड़ा देता, बता देता वो अफगानिस्तान को कि बैटिंग कैसे होती है। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक अहम मुकाबला था, जो टीम हारेगी उसको वापस अपने देश जाना पड़ेगा। दोस्तों, अफगानिस्तान जैसे कमजोर टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इस प्रकार दुनिया की नंबर 1 गेंदबाजों की धुलाई हुई है, वो कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अफगानिस्तान जैसी टीम जो हमसे कभी नहीं जीता, वो हमको इस प्रकार धोएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अफगानिस्तान आप पाकिस्तान का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तानी मैं अफगानी यही कर रहा हूँ। आप अफगानी हैं? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बदतमीजी क्यों कर रहे हो तमीज से बात? मैं तमीज से बात क्यों क्यों सपोर्ट कर रहे हो? वो हम अफगानी यही से सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं रहते जो इधर काम कर रहे हैं ना? इधर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। एक मिनट, मैं कमार है, मैं पाकिस्तानी नहीं देने, मैं मजदूरी कर रहे तो कमार है भाई मेरे। तुम कहाँ से कमा रहे हो पैसे? कहाँ से कमा रहे हो? तुम्हें पैसा कमा रहे हो यार? पाकिस्तानी वजह से क्यों कमाने? कहाँ से क्यों कमाते? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से क्या कमाया? क्या कमाया? पैसे कमाया? क्या कमाया बताओ? पैसे हम क्या कमाया? ओ भाई तमीज से बात करो। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं? हाँ जी, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, अफगानिस्तान का सपोर्ट। बहुत बड़ी हार है, अफगानिस्तान की टीम भी न्यूली बिल्ड है और इस सर्किट में बिल्कुल नई है। और चेन्नई में इस विकेट पे पाकिस्तान के इस तरह हार जाना आगे सेमीफाइनल के लिए बहुत मुश्किल होगा। और बहसियत नेशन हम बहुत मायूस हैं। आगे हैं 3 मैच हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ हैं। एक साउथ अफ्रीका के साथ है, दूसरा इंग्लैंड के साथ है, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ है। अगर ये अफगानिस्तान से आज मैच हार रहे हैं, इनसे नहीं जीत सकते, तो बाकी टीमें तो फिर जारी सी बात है, वो तो इनको वैसे ही बाहर कर देंगे। अब ना जाते वर्ल्ड कप में तो बेहतर था। क्या आपको लगता है ये तमाम मैचेस फिक्स है जो पाकिस्तान हार गया? नहीं, फिक्स नहीं है ये, टोटली जो है वो सारी टीमें विद प्लान आई हैं। और देखें, इंग्लैंड भी बुरी तरह विदाउट प्लानिंग आया है, तो इंग्लैंड भी बुरी तरह हार रहा है और पाकिस्तान की भी कोई प्लानिंग नहीं है और आगे भी बहुत टफ मैच है। मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे हम लोग। अगर हम बात करें अपनी बॉलिंग की, हम तो बड़ा कहते थे कि हमारी बॉलिंग लाइन बड़ी, ये है वो है फलाँ है, हमसे आज विकेट नहीं ली जा रही थी अफगानियों की। हाँ बिल्कुल, जो है वो विकेट, अफगानिस्तान बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और वो पाकिस्तान से जितनी भी गेम हारा है उसके बाद उसने प्लान किया है, अपनी गलतियों पर काबू पाया है और वो आज अच्छे तरीके से जो है ना फ्रंट लाइन पे आके उसने पाकिस्तान को जो है ना वो शिक से 2-4 किया। आज के बाद इनके मैच के साथ बायकॉट है भाई साहब, शर्म से डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। उल्लू के पट्टे पागल है ये सारे के सारे, एक भी मैच जो ये जीतने के काबिल नहीं है। और अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया है भाई साहब,
और पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान ने जो है वो ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। यकीन माने इस टाइम जो है दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसे कोई बेगैरत टीम जो है हमारी तरह जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है ना, कि जहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाके ये अपना मुंह निकाला करवाएंगे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाके ये जो है वो ऐसी बकवास किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और इनसे नहीं जीता जाएगा, इनसे वर्ल्ड कप नहीं जीता जाना है। ये ऐसी बेगैरत टीम है, वर्ल्ड कप को छोड़ दो, इनको एक मैच नहीं जीतने होता है इनसे तो वर्ल्ड कप तो दूर की बात है। ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, इनकी शक्लें, इनकी शक्लें देख के आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। इतनी तारीफें तो आपने पाकिस्तान की कर दी हैं, अब मैं इससे ज्यादा तारीफें करने वाली बनती हूँ। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तानी आपको लगता है कि कभी भी जीत सकते हैं? मुझे ये बताएं सीरियसली, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं पाकिस्तान के ऊपर बात करके, अपने अल्फाज वेस्ट कर रही हैं यार। कैसे ना वेस्ट करें, हमारी कौमी टीम है, हमारे खिलाड़ी हैं, वहाँ पर खेलने के लिए गए हैं, लेकिन पता नहीं क्या खा के बैठ गए हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भारत पांचवी दफ़ा मैच जीत चुका है, न्यूजीलैंड जिसे कभी वो मैच नहीं हारा था, कल रिकॉर्ड बिल्ड हो गया, हिस्ट्री बन गई है कि जी इस बार न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, और हमसे एक अफगानिस्तान की टीम नहीं हारी। हम लोग कैसे हराएंगे, हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? हमने वो ने हमारे कप्तान ने वहाँ पे शैम्पू को ऐड देना था, वो करने गया, वो तो अपना पार्ट टाइम बिजनेस जो है वो वहाँ पे स्टार्ट करने गया है ना, और वो कर भी रहा है। वहाँ पे मॉडलिंग करनी थी उसने, वो इसलिए वहाँ पे, और ये मोबाइल्स के ऐड देने थे उसने, वो इस वजह से इंडिया गया हुआ, और पिकनिक मनाने के लिए गया, वो सिर्फ अपने ये कामों के लिए गया, ना कि पाकिस्तानी टीम के लिए गया है, ना कि वो एक कप्तान की हैसियत से पाकिस्तान की टीम को जिताने के लिए वहाँ पर गया है। वो जस्ट पिकनिक इंजॉय कर रहा है, वहाँ के देसी फूड्स हो गए और भी वहाँ के जितने भी खाए गए है, ना कि वो एक कप्तान की हैसियत से पाकिस्तान की टीम को जिताने के लिए वहाँ पर गया है। वो जस्ट पिकनिक इंजॉय कर रहा है, वहाँ के देसी फूड्स हो गए और भी वहाँ के जितने भी खाने हैं वो इंजॉय कर रहा है वहाँ पे। कभी उसको फ्लू हो जाता है, हमारे पाकिस्तानी टीम्स को कभी किसी को बुखार हो जाता है, ये चीज़ें हैं वहाँ पे। आप कैसे कह सकती हैं कि हमारे पाकिस्तानियों पे हम बात करें? मुझे ये बताएं, आप तो अपना टाइम वेस्ट करिए ना सिद्रा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जितने भी अभी तक देखे हैं मैचेस, ओवरऑल आपको लगा कहीं भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी? हमारे जो कप्तान है उन्होंने क्या किया, पहले तीन पर आउट हो गए, तीन स्कोर करके। लोग तो पाक भारत टाकरा देखना चाह रहे हैं फाइनल्स के अंदर, सेमीफाइनल्स के अंदर, चले जहां भी मौका मिल रहा है। हुआ तो है, फाइनल से पहले पाक भारत टाकरा हुआ था, वो भी पाकिस्तानियों ने भी बहुत अच्छा देखा। ओवरऑल द वर्ल्ड जितने भी थे लोग जो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा देखना चाहते थे उन सब ने देखा। क्या टाकरा नजर आया आपको? शिकस्त मिली ना पाकिस्तान को, कितनी अच्छी शिकस्त दी है इन्होंने। और हम पाकिस्तानियों पूरी तैयारी करके बैठे वर्ल्ड कप से आउट होने की, ऐसा ही है ना, कहते तो यही है कि हम इस दफा ट्रॉफी लेकर आएंगे, लेकिन क्या ट्रॉफी लेकर आएंगे जब तुम लोगों ने भाई सेमीफाइनल तक पहुंच कि तुम लोगों की करतूत नहीं है, क्या कर क्या रहे हो? जिस दिन इंडिया से ये लोग हारे थे उस दिन कसम से इतनी शर्मिंदगी हुई थी ना, इतनी शर्मिंदगी हुई थी कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। इंडिया की टीम जब मैदान में गई थी तो इतने खुश थे वो, और हमारे कप्तान साहब और हमारी टीम ऐसे थी। सारी टीम के लिए कोई एक जुमला हाँ कहना चाहूँगी, लानत बेशुमार होनी चाहिए उनके ऊपर। हमारी पाकिस्तानी टीम जो है उसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती यार, बहुत डिसअपॉइंटेड किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं अच्छा किया है इन्होंने। क्या किया है वहाँ पे जाके? किसी भी रिजवान अच्छा खेल लिया उसने एक दिन, उसके अलावा एक दो दफ़ा ये लोग अच्छा खेल लेते हैं लेकिन जीतो फिर भी नहीं पाते हैं। और हमारे कप्तान साहब ने तो ये ठानी हुई है, उन्होंने तो वहाँ पे मोहर लगवाई है जाके कि नहीं मैंने नहीं अच्छा खेलना। मुझे बताते हुए कि हम अफगानिस्तान से भी हार गए हैं, हमें अफगानिस्तान ने भी पेल दिया है। मेरे घंटे के फैंस भाई रहो, जो बाबर के 74 को की तारीफे कर रहे थे आप लोग, बुझा दिया हमकी अफगानिस्तान ने। यार क्या बात करूं इस पे मैं अब, कि अफगानिस्तान ने आपको आपकी औकात याद दिलवा दिया है, टेपिए को मार पड़ी है, शहीने को पड़ी है, शराबे को पड़ी है, उसामा मीर को पढ़ लिया है, हसन अली चूतिया को पढ़ लिया है, हर बंदे को बजाया उन्होंने पकड़ के, घंटा बजा दिया है, घंटा बजा दिया है, मेरे बाबर का घंटा बजा दिया है। और मेरा बाबर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, मेरा बाबर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, मेरे बाबर का पकड़ के घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने।